चाहते हैं, जैसे कि ये इस पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, तो आप ये काफ़ी सारे ऐसे आपको इसके साथ हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल चाल हैं आप सभी के, आई होप कि बढ़िया ही होंगे। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है एक्शन कैमरे के एक्सेसरीज़ के बारे में। तो एक्शन कैमरे की एक्सेसरीज आप अगर अलग अलग से परचेज करेंगे तो वो आपको काफ़ी महंगी मिलती है। तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो एक बैग टाइप एक्सेसरीज मिलती है उसमें आपको सारी चीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। तो वो अलग अलग वेरियंट में आती है, कुछ 49 to 1 वाली किट होती है, कुछ 61 to 1 वाली किट होती है। जो 49 to 1 वाली किट होती है वो आपको पड़ जाती है ऑलमोस्ट 1400-1500 के करीब, और जो ये 61 वाली किट होती है इसके ये आपको पड़ जाती है 1900 रुपये के करीब। तो बेस्ट वही है कि 61 वाली आप ले लें, ताकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ आपको मिल जाती हैं। और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ उसमें मिलती है। अनबॉक्सिंग वीडियो इसी में मैं उसकी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वीडियो कोई बनाई नहीं थी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस किस पर्पज़ में आपके काम आने वाली है वो किट जो मैंने मंगाई है, और आप भी मंगा सकते हैं। क्योंकि अलग से आप एक एक एक्सेसरीज की एक एक चीज़ मंगाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और काफ़ी महंगी भी पड़ती है। तो जो ये 61 वाली किट है आप उसे मंगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी, मतलब आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ वो कि मतलब आपको उसमें क्या क्या सामान मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा सामान मिल जाता है। तो हेड माउंट, चेस्ट माउंट, हैंड माउंट आपके पास, और कार माउंट, और जो आपका हेलमेट के काफ़ी सारे माउंट मिल जाते हैं जो कर्व वाले होते हैं, डबल वाली टेप मिल जाती है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक होती है। तो आपकी एक्सेसरीज़ में काफ़ी सारी चीज़ उसके अंदर मिल जाती हैं जो आपके काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं वो चीज़ें। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से आपको मिलती है उसके अंदर। तो एक ऐसा केस टाइप, ब्रीफ केस टाइप आपको मिलता है, तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको सारी किट इसकी मिल जाएगी, जो 61 आइटम इसमें आए हैं वो सब चीज़ इसमें आपको अंदर ही मिल जाएगा। आपको अलग अलग चीज़ रखने की या आपको अलग से कहीं कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें रखिए। और जब आपको कहीं मतलब घूमने जाना है या ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो इसमें से जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो ले जा सकते हैं। और यदि आप बाई कार जा रहे हैं तो पूरी किट को भी रख सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ। तो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से और कहाँ मतलब आप जाना चाहते हैं और किस किस चीज़ की आपको उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं एक एक आइटम इसमें खोल कर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ आपको इसके अंदर मिलती हैं। तो पहले देखते हैं इस किट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ हैं, और फिर वो आपके एक्शन कैमरे पे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, किस पर्पज़ के लिए हैं। वैसे भी इसमें एक एक आइटम काफ़ी सारा है, तो नट बोल्ट जो होते हैं जो गोप या एक्शन कैमरा के आपको यूज़फुल होने वाले वो काफ़ी सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए, तो ये है अपनी 61 वाली वो किट जो आपके एक्शन कैमरा के यूज़ में आने वाली है, और इसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आपने इससे मतलब स्टार्टिंग में जो वीडियो देखी अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली थी। तो बाकी पॉलीथिन में थे सारे आइटम, अभी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस किस तरीके के इसमें क्या क्या आइटम हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक आइटम आपको दिखा देता हूँ। एक तो इसमें कार होल्डर आता है जो आप डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं, और आपका GoPro उस पर रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये तो हो गया इसका कार होल्डर। एक आता है ये इसमें आपका कैमरा रखने के लिए बॉक्स केस आता है, इसमें आपका कैमरा काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से सेफ रहेगा। तो ये आपको पता ही होगी जो एक्शन कैमरा के साथ माउंट में काम में आता है, आपका हेलमेट पे लगाने के लिए या आप किसी भी चीज़ जहाँ भी आप उसे अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि ये इस पर लगा हुआ है आप देख सकते हैं। तो आप ये काफ़ी सारे ऐसे आपको इसके साथ ये बोल्ट से भी मिल जाते हैं।
एक तो ये केस हो गया मेन, जो आपको कैमरा रखना है सबसे पहले, तो इसे इधर रख देता हूँ। इसके साथ आपको मिलते हैं तीन ऐसे ये स्क्रू, एक ये हो गया आपका कैमरे के लिए, ये आपका जे माउंट हो गया। क्योंकि आप अगर अलग से एक एक चीज़ परचेज करेंगे तो अब आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। एक जे माउंट ये है, ये मैं बता देता हूँ, ये जो है आपका मिनी ट्राइपॉड होता है आपका, आपका ये स्क्रू इसमें टाइट करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे गोप्रो को यूज़ कर सकते हैं। और जो ये इनके अंदर सब के अंदर ये नट वगैरह इसमें कसे हुए हैं, सिर्फ आपको ये जो स्क्रू हैं इसके ये टाइट करने हैं और बस आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आप टाइम लैप्स लगाने के लिए ले रहे हैं तो आप टाइम लैप्स ले सकते हैं जहाँ भी रखे हैं। तो ये भी दो आते हैं इसके अंदर, तो मैं सिर्फ एक एक ही निकाल कर दिखा देता हूँ इसके अंदर, या चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ सारे आइटम का, एक फ़ोटो भी क्लिक कर दूंगा मैं। तो पॉलीथिन में साइड में रख देता हूँ सारी। एक आता है ये इसका पाउच जिसमें आप सामान कैरी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं पॉलीथिन सारी इसमें भर देता हूँ। तो ये सब डबल साइड वाली टेप है और कुछ ये माउंट है, तो ये भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं। तो ये डबल साइड वाली 5 टेप मिलती हैं इसमें हमें, और दो ये माउंट मिलते हैं डबल साइड वाली, जो आप गाड़ी के ऊपर भी चिपका सकते हैं, कार पे लगा सकते हैं, डैशबोर्ड पे, और वो आपकी चॉइस है आप कहाँ लगाना चाहते हैं। तो दो तो हो गई है। एक एक्सटेंड करने का माउंट है ये, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसे आपका डायरेक्ट आप इस सॉकेट से लगाएंगे तो ये आपका GoPro यहीं पे अटैच होगा, इसे लगाने के बाद आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसके ऊपर आपका GoPro या एक्शन कैमरा आ जाएगा। तो ये एक्सटेंड वाला है, एक्सटेंड वाले इसमें काफ़ी सारे आइटम हैं। एक आइटम हो गया इसका ये, एक ये आती है इसकी स्टिक, सेल्फी स्टिक है ये, यहाँ पर भी आप इसे ट्राइपॉड पर लगा सकते हैं अगर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो काफ़ी लेंथ है इसकी भी, और यहाँ से आपका माउंट हो जाता है और यहाँ से आपका रोटेट भी हो जाता है। कुछ टेप हैं ये जो आपकी एक्शन कैमरा के ऊपर ही लगाने की हैं, डबल टाइप हैं ये भी, इनकी ये हैं छोटी वाली और वो थी बड़ी वाली, जो सॉकेट के साइज़ के आती हैं आपके, जितने भी सॉकेट हैं वो उनके साइज़ के आती हैं। चार टेप ये हैं इसके अंदर, ये एक आपको बैंड टाइप मिलता है छोटा सा, छोटी जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक ये वाली इसकी शॉर्ट टाइप है, इसमें ट्राइपॉड तो नहीं है, ट्राइपॉड इसके नीचे आप यहाँ पे माउंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक खासियत है, जब आप अपना GoPro को स्विमिंग पूल या आपकी GoPro को आप मतलब वाटर के अंदर लेकर जाएंगे तो ये इसके कारण इसके अंदर हवा भरी हुई है तो ये डूबता नहीं है, तो काफ़ी हद तक ये बढ़िया काम करता है। आप इसे ये लगाने के बाद और यहाँ पर आपका GoPro एज इट इज माउंट हो जाएगा और इसे आप लेके पानी के अंदर जा सकते हैं, तो ये वाटर में आपका डूबेगा नहीं, ये ऊपर की तरफ तैरता रहेगा तो आपका कैमरा नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो काफ़ी हैवी है ये भी, तो इसमें भी एयर भरी हुई है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। एक ये है इसका एक्सटेंडर, जो आपका एक्सटेंडर करने के लिए है, अगर आप कहीं इसमें यहाँ पे सॉकेट इसका कस दीजिए, आप किसी भी तरीके के सॉकेट लगा सकते हैं, जे माउंट हो आपका या फिर आप मतलब यहाँ पे आपको इसे एक्सटेंड करना हो अपने कैमरे को, तो ये इसका कुछ एक्सटेंड करने के लिए आता है। तो इसमें भी सेम है, आपको काफ़ी चीज़ इसके लिए मिल जाती हैं एक्सटेंड के लिए, और
वही डबल साइड वाली टेप, एक है ये आपका जैसे कॉलर माइक आता है एडवेंचर किट के साथ, तो आपका कॉलर माइक हो या जेब के ऊपर आप उसे माउंट कर सकते हैं। एक ये आता है, इसके अंदर क्लिप लगी हुई है तो काफ़ी अच्छी पकड़ होती है इसकी। डायरेक्ट आप इस पर GoPro माउंट कर सकते हैं, अपना एक्शन कैमरा माउंट कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक आइटम है ये इसके साथ, एक है ये इसका, आप दोनों तरफ से कहीं भी इसे बांध के इस तरीके से दो कोनों से आप इस पर बीच में माउंट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा दो आपका केस ये हैं, ये नॉर्मल हैं, जैसे अभी इससे पहले मैंने आपको दिखाया था ये जे माउंट वाला, तो दो केस आपके इसके ये मिलते हैं। बल्कि ये वाला जो है आपका हैंडल माउंट है, बाइक के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं, और ये इसका आप किस तरीके से आप इसे लगाना चाहते हैं, हैंडल के ऊपर ये माउंट हो जाएगा और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं कि किधर आप दिखाना चाहते हैं। तो कुछ आइटम ये हैं इसके अंदर, और कुछ ये स्क्वायर वाली हैं डबल साइड टेप, वो थोड़ी सी कटिंग उनकी अलग थी, तो पांच ये हैं। आप इसे हैंड पे बांध सकते हैं अपने, मतलब बाजू पे, हाथ पे, कलाई पे, आप इसे कहीं भी बांध के जॉगिंग कर रहे हो आप, यदि आपको भागते हुए का शॉट कुछ लेना है, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ये उसके लिए आप इसे यहाँ से खोल के और आप इसे हैंड पे बांध सकते हैं और आपका एक्शन कैमरा इधर लग जाएगा और इधर से आप इसे टाइट कर देंगे इसमें फंसा के और ये बैक साइड में आके यहाँ चिपक जाएगा और उसके बाद आप यहाँ GoPro या एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। ये वाला इसका हेड माउंट है। काफ़ी सारी ब्लॉगिंग में आपने देखा होगा कि एक्शन कैमरा सिर पर लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं, या फिर काफ़ी सारी आपने जो कार रिव्यू करते हैं या आपका बाइक रिव्यू करते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं, या ट्रैवलर भी यूज़ करते हैं इन्हें, तो ये है आपका हेड माउंट। और ये है इसका चेस्ट माउंट, काफ़ी बड़ा आता है ये पूरे चेस्ट पर लग जाता है। ये कुछ इस तरीके से आप इसे पहन सकते हैं और GoPro आपका इसके पॉकेट के साथ आगे लग जाएगा, एक्शन कैमरा आपका इस पर आगे लग जाता है। तो बस ये सारे आइटम हैं इसके अंदर, किट के अंदर, और इसकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बताई दी, काफ़ी चीप प्राइस है इसकी। तो बस यही था इस वाले वीडियो में, और चलिए बस इसका मैं एक फ़ोटो खींच लेता हूँ थंबनेल के लिए। तो बस यही था इसमें हमारी 61 ऑल इन वन वाली किट में, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना, और अगर कुछ ऑफ़र चल रहा हो तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना। तो बस अपना और अपनों का ख्याल रखो, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।